हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज हम पढ़ेंगे दूसरी स्टोरी। इस स्टोरी को हमने नाम दिया है इब्न बतूता। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे इन 10 सेंटेंस को। ये 10 सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, हम 20 वर्ड याद कर चुके होंगे। मैं आपको बता दूं, इन सेंटेंस में आए हुए वर्ड SSC और बैंक एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कैसे हम इसे आसानी से सीख सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये स्टोरी क्या है। इब्न बतूता एक घुमक्कड़ था। उसे घूमने का जुनून सवार था। वह बड़ा परिश्रमी था। वह सभी धर्मों को महत्वपूर्ण मानता था। उसे चापलूसी पसंद नहीं थी। वह इसकी निंदा करता था। वह इस बात का ध्यान रखता था कि कोई उसका अनादर ना कर दे। एक दिन उसके मस्तिष्क में कंपन हुआ और उसने अपने आप को खुदा का बंदा नामांकित कर दिया। इन स्टोरीज़ के ही दम पर हम आगे के वर्ड याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स को याद करने की। हमने इमेज के द्वारा याद करने के लिए प्रेफर किया है। तो इब्न बतूता एक घुमक्कड़ था, इसे अभी हमने पढ़ा। इमेज का आप सहारा ले सकते हैं। उसे घूमने का जुनून सवार था। वह बड़ा परिश्रमी था। वह सभी धर्मों को महत्वपूर्ण मानता था। सबसे पहले हम इस स्टोरी के पहले भाग में इन चार वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इब्न बतूता एक घुमक्कड़ था, ट्रैम्प, वॉन्डरर था। घुमक्कड़ को ट्रैम्प और वॉन्डरर कहा जाता है। उसे घूमने का जुनून सवार था। यहाँ पर शब्द था जुनून। जुनून को कहते हैं इनफैचुएशन पैशन। उसे घूमने का इनफैचुएशन पैशन सवार था। यहाँ पर आप इस इमेज का सहारा ले सकते हैं। वह बड़ा ही परिश्रमी। यहाँ पर शब्द आया था परिश्रमी, यानी मेहनती। वह बड़ा ही डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस था। इस इमेज का सहारा ले सकते हैं। वह सभी धर्मों को महत्वपूर्ण मानता था। मोमेंटस, इम्पॉर्टेंट मानता था। आप इसे ऐसे पढ़िए। तो इस स्टोरी को पढ़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। चलिए आगे की स्लाइड्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और अब फिर से हिंदी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। इस इमेज को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अगली स्टोरी पर हम बढ़ते हैं और अगली लाइन पर देखते हैं। फिर से वही वाली बात है। इब्न बतूता एक, इंग्लिश के वर्ड को याद रखने की कोशिश करिए कि इंग्लिश का यह वर्ड क्या आएगा। देखिए जरा, ट्रैम्प, वॉन्डरर यानि कि घुमक्कड़, इनफैचुएशन पैशन यानि कि जुनून, वह बड़ा ही परिश्रमी था, मेहनती था, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस था। वह सभी धर्मों का क्या करता था, सोचने की कोशिश करिए, महत्वपूर्ण मानता था। सभी धर्मों को महत्वपूर्ण, मोमेंटस, इम्पॉर्टेंट मानता था। यहाँ पर इन इमेजेस का आप सहारा लेंगे तो बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। मैं आपको एक टाइमर दे रहा हूँ, इस टाइमर का आप मदद से याद करने की कोशिश करिएगा। 20 सेकेंड का टाइमर है, शुरुआत करते हैं, याद करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टाइम आउट हो गया है हमारा, ये टाइम कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टोरी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब फिर से ये हिंदी की तरफ, भक्कड़, जुनून, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, इनकी जगह इंग्लिश के वर्ड्स को सोचने की कोशिश कीजिए, इसकी जगह पर, हिंदी की जगह पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका टाइमर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स पर, जहाँ पर कि हमें फिर एक इंग्लिश का स्लाइड कंप्लीट आने वाला है। देखिए फिर से आ गया है। मैं आपको एक और टाइमर दे रहा हूँ 20 सेकेंड का, और फिर से जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, याद करना, स्लाइड के साथ चलते जाएंगे, आपको मदद मिलेगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये टाइमर हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम अगली स्लाइड पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये आपका, अब यहाँ पर एक आपका चैलेंज चालू होता है। यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर वर्ड्स को लिखिए इन खाली जगहों पर। शुरुआत करते हैं, फिर से मैं आपको एक 20 सेकेंड का टाइमर दे रहा हूँ। इस 20 सेकेंड के ड्यूरेशन में इन वर्ड्स को लिखने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका टाइमर कंप्लीट हुआ है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर हम हिंदी को, इंग्लिश को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टाइमर और दे रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए इसको। याद करना, 15 सेकंड का टाइमर है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ थोड़ा सा मेहनत करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइमर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें एक ब्लैंक स्लाइड मिलेगी। चालू हो जाइए, लिखने का काम शुरू कर दीजिए। फिर से मैं आपको एक 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप बहुत तेज़ी से याद करते जाएंगे और इस स्लाइड के थ्रू आप अभी तक बहुत सारी चीज़ें याद कर चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टाइमर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इस प्रकार से आप सीख चुके होंगे कि इन चार वर्ड्स को क्या कहा जाता है जो कि यहाँ पर आपको बताए गए थे। इन खाली जगहों पर आपने अभी तक इन्हें याद कर लिया है। आप फिर से स्लाइड को पीछे की तरफ ले जा करके भी इन्हें फिर से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। आगे भी इस स्टोरी का दूसरा आपको शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।